और इंसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। ओम शांति। आज 22 मार्च 2024 के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने अंतर्मुखी बनने के लिए अटेंशन दिलाया कि बच्चे मन में संकल्पों के तूफान विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं है, योग बल से ही माया भागेंगी, इसलिए इसमें पुरुषार्थ करना है। साथ में कहा कि धंधे धोरी में तब थकते हैं जब देह अभिमान में आते हैं। जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना बाबा की याद सहज होती जाएंगी। उसके लिए पुरुषार्थ बताया कि अंतर्मुखी हो एक बाप को याद करना है, भल कार्य व्यवहार के लिए बाहर मुखी होना पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होने का अभ्यास करो, तब ही पाप कटेंगे। और कहा बाहर मुक्ता से अर्थात बाहरिक बातों से मुख हटा हुआ हो, मन हटा हुआ हो, तब धारणा हो सकेंगी। और ब्राह्मण जीवन में सदा चढ़ती कला का अनुभव होता रहे उसके लिए अटेंशन दिलाया कि सदा बुद्धि का योग एक बाप से लगा रहे, एक बाप को ही देखना है, यह ऐसा है, वह वैसा है, यह करता है, अवगुणों की तरफ नहीं देखना है। बाबा कहे सदा स्मृति रहे, सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है, कोई न कोई अवगुण तो है, लेकिन हमें सदैव गुण ग्रहण करना है। और दूसरी बात बताई कि दूसरों की बातों में आकर के, दूसरों से रूठ करके कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। और साथ में कहा कि अगर कोई में अवगुण दिखाई देता है तो उनसे मुख मोड़ लो, लेकिन अवगुणों को धारण नहीं करो। फिर गुण धारण करने के लिए बाबा ने गुरु दत्तात्रेय का एग्जाम्पल दिया कि वह भी सबसे गुण उठाते थे, तो तुम बच्चों को भी सबसे गुण ग्रहण करने हैं। फिर आज भी बाबा ने कहा कि बच्चे जब यहाँ मधुबन में आते हैं तो मुरली सुन करके फिर जाई एकांत में बैठ मुरली का विचार सागर मंथन करना है। जो बाबा ने अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाई उसका मनन चिंतन करना है। यहाँ तुम जितना चाहो कमाई कर सकते हो। फिर अमृत वेले पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि जो बच्चे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठते हैं तो बाबा आकर उनको सर्च लाइट देते हैं। बाबा भी अनुभव सुनाते हैं कि जो अनन्य बच्चे बाबा को याद करते हैं तो बाबा को उनकी याद पहले आती है, उन अनन्य बच्चों को पहले बाबा सर्च लाइट देते हैं। और कहा बाबा उनको याद करते हैं जो अच्छे सर्विसेबल है, योग युक्त है। और विशेष कहा कि जो सर्विसेबल बच्चे थे लेकिन चले गए हैं शरीर छोड़कर एडवांस पार्टी में, तो बाप दादा उनको भी याद कर सर्च लाइट देते हैं। और यज्ञ रक्षक की स्मृति दिलाते कहा कि यज्ञ के हर वस्तु की संभाल रखनी है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूएबल है। और कहा यज्ञ से जो मिले उसमें खुश रहना है, यज्ञ के ब्रह्मा भोजन से बहुत प्यार होना चाहिए। और कहा सन्यासी तो थाली धोकर भी पीते हैं, क्योंकि भोजन का महत्व है। बाबा कहे ऐसा समय भी अंत में आएगा जो अनाज नहीं मिलेगा, तो अभी कुछ भी बाबा के यज्ञ से व्यर्थ नहीं गवाना है। और साथ में कहा कि तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए, और वह खुशी तब रहेगी जब दूसरों को आप समान बनाते जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो, बाहर मुक्ता में न आओ, तब ही पाप कटेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? उत्तर में बाबा ने आज दो पुरुषार्थ बताए। पहला, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं, अवगुण देखने से मुख मोड़ लो। दूसरा पुरुषार्थ बताया, कभी भी पढ़ाई में रूठना नहीं है, मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तब ही चढ़ती कला हो सकती है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुख मोड़ लेना है, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है, दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। दूसरा, बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है, धंधे धोरी में रहते देही अभिमानी रहना है, बहुत बातचीत में नहीं आना है,
आज बाबा ने वरदान दिया, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव, ईश्वरीय सेवा के संबंध द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितना जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आते हैं। यहाँ के सेवाधारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितना यहाँ हार्ड सेवा करते हैं अर्थात अथक सेवा करते हैं उतना वहाँ सतयुग में आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। बाबा ने आज कितनी सूक्ष्म बात बताई कि रॉयल फैमिली के अधिकारी कैसे बनेंगे। जितनी जो अथक सेवा यहाँ करेंगे उतना वहाँ आराम से राज सिंहासन करेंगे, और जो यहाँ आराम करेंगे वो फिर वहाँ जाकर सेवा करेंगे, नौकर चाकर बनेंगे। इसलिए बाबा कहे एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाबा के पास रहता है। आज का स्लोगन है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 22 मार्च का अव्यक्त इशारा है। इशारे का सार है, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। आज बाबा ने कहा, विधि और विधान को जानने वाले बच्चे हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि स्वरूप होते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात बेगमपुर के बादशाह। भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय भी बेगमपुर के बादशाह हो। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो, क्योंकि दुख धाम से निकल अब संगम युग पर खड़े हो। आज बाबा ने सिद्धि स्वरूप की स्मृति दिलाते हुए कहा कि ब्राह्मण बच्चे विधि और विधान को जानते हैं, इसलिए वह आत्मा हर कर्म विधि और विधान को जानकर करती है, इसलिए सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तो ऐसे सिद्धि स्वरूप आत्माएं ही बेगमपुर का बादशाह बनती हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।